Hi guys, welcome to my channel Slapdash Diaries. I hope you all are doing great and wonderful. आज की वीडियो में ना हम उसके बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. और हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है? हैप्पीनेस तो है ही है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी. अब हम बात करेंगे कि हैप्पीनेस को बरकरार रखने के लिए जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सक्सेस. अगर सक्सेस होगी तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में हमारे पास होगी. तो बात करते हैं रूल्स फॉर सक्सेस. तो रूल्स फॉर सक्सेस मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ती जा रही हूँ. मैं बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं सक्सेस को लेके, मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करी हैं जिनसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकती हूँ कि सक्सेस के लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि सक्सेस के लिए, यू नो, हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना है कि सक्सेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, सक्सेस के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, बट हमारी रियल लाइफ से ना वो चीज़ें इतनी रिलेटेबल नहीं लगती. तो कभी कभी लगता है कि यार रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है. बट मैं जिन रूल्स के बारे में आपसे बात करूँगी ना वो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और हम लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल आसानी से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि वो बुकिश लगेंगे या फिर वो आउट ऑफ द लाइफ लगेंगे, ऐसा नहीं है. तो इसीलिए एक नॉर्मल तरीके से हम लोग उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं. तो रूल नंबर वन की बात करते हैं. रूल नंबर वन ये है कि रिमूव ऑल द नेगेटिविटी एंड लिव विद इंटीग्रिटी. अब इसमें क्या आता है, इसमें ये आता है कि हम लोगों को अपने आसपास ना उन लोगों से दूर रहना है जो हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं, जो हमें डाउन फील कराते हैं, जो हमें बात बात पर ये फील कराते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, या तुमने ये सोच लिया, ओह माय गॉड, यू कैन नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश दैट, यू कैन नॉट ड्रीम दैट गुड. तो जो भी लोग ऐसे होते हैं ना वो एनर्जी सकर्स होते हैं, उनसे हमें दूर रहना है, उनसे हमें बिल्कुल डिस्टेंस बना लेना है. चाहे हमें उस वक्त के लिए उनको रूडली बोलना पड़े या कुछ बोलना पड़े, बट इट इज़ फॉर आवर ओन गुड, तो हमें करना पड़ेगा. हमें उनको बोलना पड़ेगा कि यस बॉस हो गया है, अब मेरे को अपना काम है, मैं निकलता हूँ. और ऐसे करके हमें उनसे दूरी बनाकर रखनी है. ठीक है, अगर हम नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिविटी के बारे में ज़्यादा फोकस हो पाएंगे और पॉजिटिव लोगों के बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे. नंबर सेकेंड इज डू व्हाट इग्नाइट्स योर सोल. अब हमें क्या करना है, हमें अपने पैशन को फॉलो करना है. ये बहुत बुकिश लग रहा है लेकिन ऑब्वियसली हमें ऐसा पैशन ढूंढना है जो हमें मनी भी जनरेट करे. ऑब्वियसली कुछ लोग बोल सकते हैं कि मुझे तो सोने में बहुत मजा आता है, तो स्लीपिंग इज माई पैशन. तो बट बॉस, स्लीपिंग कैन नॉट बी योर पैशन बिकॉज स्लीपिंग कैन नॉट मेक मनी. तो मनी भी हमें चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ऑब्वियसली. तो पैशन भी सक्सेसफुल होने के लिए हमें मनी रिलेटेड होना चाहिए. तो कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है बट आपको ऐसा पैशन ढूंढना है जिससे आपको कहीं ना कहीं लाइवलीहुड भी अर्न हो जाए. तो ये अपने पैशन को ज़रूर हमें फॉलो करता रहना चाहिए. और जब हम पैशनेट होंगे ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ करने के लिए, उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए अपना 100% देते हैं. और जब भी हम अपना 100% देते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ हमें मिलेगी ही मिलेगी. तो ऑब्वियसली सक्सेस तो गारंटी है ही जब अगर हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं. तो ये दो टिप्स तो हो गए. अब नंबर थ्री आता है. नंबर थ्री है अपने ना मेंटर्स और रोल मॉडल्स को ढूंढ लो. जब आपने अपना पैशन फॉलो कर लिया, आपको पता चल गया है कि आपको किस चीज़ का शौक है, बी इट सिंगिंग, बी इट राइटिंग, बी इट व्हाटएवर, उस फील्ड में जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ो, उनकी लाइफ के बारे में जानो, उन्होंने कैसे सक्सेस पाई, वो कैसे हार्डवर्क करके उस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाए, उनके बारे में जितना जानो उतना कम है. तो उन लोगों की लाइफस्टाइल को अपनाओ, उनके बारे में दिन रात बस सोचो कि उनके जैसे कैसे बन सकते हो. ये नंबर थर्ड टिप हो गई. नंबर फोर्थ है कि हमें एटलीस्ट 1% अपने आप को डेली ग्रो करना है, हमें इवॉल्व करना है. हम वो कहते हैं ना नेवर स्टॉप लर्निंग, तो हमें लर्निंग तो बिल्कुल स्टॉप करनी ही नहीं है. अगर हम सोचें कि हमें इतनी एज के हो चुके हैं तो हमें कौन सिखा सकता है, हमें कौन बता सकता है कुछ भी, क्योंकि हम तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं. बट बॉस ऐसा नहीं होता. आप, मेरे को ऐसा लगता है कि लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस और ये बिल्कुल सही बात है. तो लर्निंग तो कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए ना,
लर्निंग कभी बंद नहीं करनी चाहिए, लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए और ग्रोथ के लिए लर्निंग इज़ वेरी क्रूशल। अगर आपको सक्सेस पानी है, आपको ग्रो करना है मेंटली और प्रोफेशनली, तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। मतलब आपकी लर्निंग प्रोसेस में 1% रोज कुछ ना कुछ इंक्रीज होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, और ये मैं बिल्कुल दिल से मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी एक छोटा बच्चा भी आपको वो चीज़ें बता देता है जो आपके माइंड में एकदम से क्लिक होती है, आपको लगता है नहीं यार मैंने तो कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और लर्निंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। प्लीज़ कीप लर्निंग ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। तो ये हो गए हमारे 4 टिप्स। अब नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 ये है कि हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो पॉजिटिव है। नहीं तो हम अगर उन लोगों के साथ, मैं ऐसा बोलता है, माइंड इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इससे ज़्यादा असलियत मैंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल बेकार थे, लेकिन सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठ के, उनकी मेंटालिटी के साथ, माइंडसेट के साथ रोज उठते बैठते उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम और प्रोडक्टिव हो जाएं और सक्सेसफुल हो जाएं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर पाएं जो अभी तक हमने अकम्प्लिश नहीं करी है। तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठो, उन लोगों के साथ बैठो जो आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, ना कि नीचे गिराने की, जो आपको एक सही रास्ता दिखाते हैं, एक सही गाइडेंस की तरह काम करते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो विल हैं और जो ऐसे ही बैठे हैं और जो उनके पास जो आपको डाउन फील कराते हैं, जो आपको ऐसा फील कराता है दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं बैठना है। तो नंबर वन पॉइंट तो यही था। तो नंबर 4th ये है कि आपको पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना है, सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना है। नंबर 6 है कि एम्ब्रेस फेलियर। हम लोग ना फेलियर से ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हमें लगता है कि अब यार हम इस चीज़ में फेल हो गए तो नहीं, दिस इज़ नॉट आर कप ऑफ टी, हमें इसको नहीं करना है, हमें तो बस अब ख़त्म कर रही है कहानी यहाँ पे और हमें कुछ और नया चीज़ पकड़ लेनी है। बट ऐसा नहीं है, परसिस्टेंस इज द की। आप इसमें एक और पॉइंट आ गया, परसिस्टेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी को अपनाइए, लेकिन अपने पैशन को बिल्कुल आपको फॉलो करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बीच पॉइंट पे आके उसको छोड़ दो, या फिर आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हिंड्रेंसेज आ रही हैं, तो आप उसको बीच में छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करना दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप अगर अर्जेंटली किसी चीज़ को फॉलो करते हो, अगर आप अर्जेंटली किसी चीज़ को चाहते हो, तो प्लीज़ उसको अपना 100 नहीं, मैं बोलती हूँ 200% देना। क्योंकि जब तक आप उसमें ऐसे नहीं झुक जाओगे ना कि भाई आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो नहीं मिल सकती। अगर मुश्किल से मिल रही है तो उस मुश्किल को अपना लो, लेकिन आगे बढ़ जाओ और दूसरा प्लान अपना लो, लेकिन उसको बीच में मत छोड़ो। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि कोई चीज़ आपको 1 साल तक सक्सेस नहीं दे रही, 2 साल तक सक्सेस नहीं दे रही, या किसी भी एंगल से सक्सेस नहीं दे रही, तो हम उसको छोड़ देंगे सोच कर कि यार ये तो हमारी बस की गई है या फिर हम नहीं कर सकते, अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखो और फेलियर को एक्सेप्ट करके सक्सेस के लिए दोबारा से बढ़ जाओ। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि गिव मोर देन यू टेक। अब जब हमने ना हमेशा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि गिव एंड टेक की तो रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ज़्यादा देने लगते हैं तो हमें मिलने भी ज़्यादा लगता है। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हमें ज़्यादा मिलता रहे, हम उसके लिए तो नहीं कर सकते, उसकी कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। बट एक तरीके से उसकी गारंटी हम ले सकते हैं कि हम ज़्यादा दें। अगर हम खुशियाँ बांटेंगे तो ऑब्वियसली खुशियाँ हमारे पास रेसिप्रोकेट होकर आएंगी। ये हमारे कर्मा के रिलेशन में भी है, ये हर चीज़ के रिलेशन में है। अगर हम लोगों को हेल्प करेंगे तो हमें भी बुरे वक्त में वो लोग हमारी हेल्प के लिए खड़े होंगे। तो ऑब्वियसली ऑलवेज ट्राई टू गिव मोर देन यू टेक। तो ये एक और टिप हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपको ना बिल्कुल अनस्टॉपेबल रहना है, अपनी फाइटिंग स्पिरिट को हमेशा ऑन रखना है, हमेशा ये सोचना है कि हम कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट वी आर गोना बी अकम्पलिशिंग व्हाट वी डिज़ायर। तो वो चीज़ हमें हमेशा अपने दिल में जगाए रखनी है और अच्छे से उस चीज़ को हमें अपने अंदर एकदम अंदर घोट के पी लेना है, इस चीज़ को कि हमें तो ये चीज़ अकम्पलिश करके रहनी है, हमें ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, तभी शायद हम
खुश हो पाए। या फिर देखो, मैं जानती हूँ कि सक्सेस खुश रहने के लिए नहीं है, खुश रहने के लिए सक्सेस इतनी इम्पॉर्टेंट है लेकिन पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हैप्पीनेस तो अपनी एक जगह पर है, लेकिन अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन में नहीं जाना है। और जब तक हम नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं तो उस चीज़ को, उस टाइम को ऐसे सोचना है कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि देखो, हम किसी और चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते, हम किसी और दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। तो हम अपने अंदर की अगर गलतियाँ ढूंढने लगेंगे ना तो हमें बहुत मिल जाएंगी। और फिर जब हमें मिल जाएंगी और अगर हम उन पर काम करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल आगे होने के लिए बढ़ जाएंगे। तो ये सारी टिप्स थी, ये सारे रूल्स थे सक्सेसफुल होने के लिए। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ना ये एक बार दोबारा से सारी चीज़ें रिवाइज करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और डेफिनेटली अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक बार ही अडेप्ट कर लेंगे तो हम, मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ये सारी टिप्स जो मैंने आपसे शेयर करी, ये सारे जो रूल्स फॉर सक्सेस मैंने आपके साथ शेयर करे, तो प्लीज़ एक बार इनको आप अपनी लाइफ में दोबारा से अडेप्ट करके देखना, इम्प्लीमेंट करके देखना। और अगर इफ दीज आर मेकिंग एनी गुड चेंजेस, एनी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहें और आगे भी मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ के साथ एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।